स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण में मैं आपको वाक्य के अंग और संरचना इस टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे सबसे पहले अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाल लें और पेज संख्या 292 पेज पर आए। देखिए, टॉपिक पढ़ा हुआ है वाक्य के अंग व संरचना। मिला बच्चों? बच्चों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण या ध्वनि कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? जैसे क, ख, अ, आ, ई, ई, ये क्या है? ध्वनियां। इन्हीं को वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं। वर्णों के मिलने से शब्द बनता है और शब्दों के मिलने से वाक्य की संरचना होती है। जैसे उदाहरण स्वरूप, मैं यहां पर शब्द लिख रही हूं कमल। कमल शब्द जो है, ये क्या है? कमल शब्द है। क्या है? शब्द है। क्यों शब्द है? क्योंकि कमल में का व्यंजन, आ स्वर, मा व्यंजन, आ स्वर, ला व्यंजन और आ स्वर आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने बच्चों अभी बताया कि ध्वनियों के या वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। तो ये ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों को जब हमने आपस में मिला दिया तो शब्द क्या बना? कमल। शब्दों के मिलने से वाक्य की संरचना होती है। तो इतना समझ में आया बच्चों? अब वाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। पुनः सुन ले, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। तो वाक्य, आपसे अगर प्रश्न किया जाए कि वाक्य किसे कहते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। अब बच्चों, इसके बाद हेडिंग आती है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए, जो कुछ भी बताया जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। तो बच्चों, आया समझ में? वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो। कौन कौन से? पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। जैसे मैंने वाक्य लिखा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में किसके बारे में कुछ बताया जा रहा है? मोहन के बारे में। तो मोहन क्या हुआ बच्चों? मोहन जो हुआ वह उद्देश्य हुआ। मोहन क्या हुआ? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक पढ़ता है, ये क्या हुआ बच्चों? विधेय हुआ। ये क्या हुआ? विधेय हुआ। तो बच्चों, यह भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। कौन कौन से? पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। पहला अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। देखिए, मैंने क्रम से लिख रखा है, विधान वाचक वाक्य। दूसरा है निषेध वाचक वाक्य। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। चौथा है संकेत वाचक वाक्य। पांचवा है प्रश्नवाचक वाक्य।
छठा क्या होता है? इच्छा वाचक वाक्य। सातवां कौन सा है? संदेह वाचक वाक्य। और आठवां आता है विषमयादि वाचक वाक्य। फिर से सुन ले, अर्थ के आधार पर बच्चों वाक्य के आठ भेद होते हैं। पहला होता है विधान वाचक वाक्य, दूसरा होता है निषेध वाचक वाक्य, तीसरा होता है आज्ञा वाचक वाक्य, चौथा होता है संकेत वाचक वाक्य, और पांचवा कौन सा? प्रश्नवाचक वाक्य, और छठा कौन सा होता है? इच्छा वाचक वाक्य। सातवां कौन सा होता है? संदेह वाचक वाक्य। और आठवां आता है विस्मयादि वाचक वाक्य। तो ये जो हमने प्रकार पढ़े वो किसके आधार पर पढ़े? अर्थ के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला आता है सरल वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा आता है मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा आपका आता है मिश्रित वाक्य। बच्चों अब हम अर्थ के आधार पर जो पहला प्रकार है विधान वाचक वाक्य, इसको समझते हैं। तो आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं विधान वाचक वाक्य। बच्चों आपकी पुस्तक में थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया हुआ है, इसको सही कर लें। जिन वाक्यों में कार्य के करने, ना करने नहीं करने, ना को काट दीजिए, जिन वाक्यों में कार्य के करने या होने का कथन हो, ऐसे वाक्य जो है विधान वाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि जिन वाक्यों में कार्य के करने या होने का कथन होता है, ऐसे वाक्य विधान वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाक्य ले सकते हैं सूर्य पूर्व में उदित होता है, तो इसमें उदित होता है, कार्य का होना पाया जा रहा है, तो ये कैसा वाक्य हुआ? विधान वाचक वाक्य हुआ। बच्चों अर्थ के आधार पर दूसरा वाक्य का प्रकार आता है निषेध वाचक वाक्य। इसमें क्या होता है? जिन वाक्यों में कार्य के ना करने या ना होने का कथन, जिन वाक्यों में कार्य के ना करने और ना होने का कथन हो, ऐसे वाक्य निषेध वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम आज स्कूल मत जाओ। आया बच्चों समझ में? इसके बाद अर्थ के आधार पर जो तीसरा प्रकार आता है वाक्य का, वह आज्ञा वाचक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुरोध, अनुमति का ज्ञान हो, ऐसे वाक्य आज्ञा वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम कक्षा से बाहर जाओ, तो ये कैसा है? आज्ञा वाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य का जो चौथा प्रकार होता है वह होता है संकेत वाचक वाक्य। वाचक वाक्य आपको लिखना है, ठीक है? संकेत वाचक वाक्य, इनमें क्या होता है? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। ध्यान से सुनिए, संकेत वाचक में क्या होता है? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, ऐसे वाक्य संकेत वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो चारों तरफ हरियाली होती। यदि वर्षा होती, ये पहला जो वाक्य है, पहले वाक्य में जो क्रिया है वो दूसरे वाक्य की क्रिया पर क्या कर रही है? निर्भर कर रही। यदि वर्षा होती तो हरियाली होती। इसके बाद जो पांचवा प्रकार आता है प्रश्नवाचक वाक्य, तो नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न दिया जाता है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो। इसके बाद बच्चों अर्थ के आधार पर जो छठा प्रकार आता है वह है इच्छा वाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता या लेखक की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का ज्ञान होता है, ऐसे वाक्य इच्छा वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो।
फिर से सुन लीजिए बच्चों, इच्छावाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में वक्ता या लेखक की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का ध्यान होता है, ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके उपरांत बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य का सातवां प्रकार आता है, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में वक्ता प्रायः संदेह की भावना को प्रकट करता है, जिन वाक्यों में वक्ता प्रायः संदेह की भावना को प्रकट करता है, ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी या शायद मैं पास हो जाऊंगा। बच्चों अर्थ के आधार पर जो आठवां प्रकार है वाक्य का वह है विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक आदि के भाव प्रकट होते हैं, ऐसे वाक्य विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह तुम बहुत अच्छे खेले, शाबाश तुमने अच्छे अंक अर्जित किए। तो बच्चों इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों के तीन भेद मैंने बताए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब हम जानते हैं सबसे पहले सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, एक ही क्या होता है? उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण लिखा मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही क्या है? विधेय है। अतः यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। तो बच्चों आ गया समझ में। इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार आता है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य खंड स्वतंत्र होते हुए भी किसी योजक से जुड़े होते हैं, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य खंड स्वतंत्र होते हुए भी किसी योजक से जुड़े होते हैं, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं और तुम खेल रहे हो, मोहन पुस्तक पढ़ता है और तुम विद्यालय जाते हो। तो इसमें इन दोनों वाक्यों में बच्चों और जो है ये क्या है? योजक है। और दो वाक्य खंड जो है वो योजक के द्वारा क्या किए गए हैं? जोड़े गए हैं। अतः ऐसे वाक्य जो होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तीसरा वाक्य आता है बच्चों मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे उसने कहा कि वह कल स्कूल जाएगा, उसने कहा कि वह कल स्कूल जाएगा, यह वाक्य कैसा वाक्य है बच्चों? मिश्रित वाक्य। तो बच्चों समझ में आया? मैंने आज आपको वाक्य के अंग वाक्य की संरचना समझाई। अब देखिए बच्चों अगले पेज में 294 पे देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। अब बच्चों इसमें एक वाक्य दिया हुआ है, जिस वाक्य को इन आठों प्रकार से क्या किया गया है? परिवर्तित किया गया है। एक साधारण वाक्य लिया गया है, सूरज पुस्तक पढ़ता है, सूरज पुस्तक पढ़ता है कार्य किया जा रहा है, इसलिए कैसा वाक्य है? या मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है? विधान वाचक वाक्य। कैसा वाक्य है? विधान। क्या इसकी जो पहचान मैंने बताई थी वो क्या थी? कि जिस वाक्य में कार्य का करना या कार्य का होना पाया जाता है, ऐसा वाक्य विधान वाचक वाक्य कहलाता है। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये कैसा वाक्य हुआ? विधान वाचक। इस विधान वाचक वाक्य को यदि इसका निषेध वाचक वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा?
मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है। अब अगर इसी वाक्य का हम आज्ञा वाचक वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? आज्ञावाचक वाक्य में मोहन तुम पुस्तक पढ़ो। इसके बाद बच्चों यदि इस वाक्य का मैं संकेत वाचक वाक्य बनाऊं तो क्या बनेगा? यदि मोहन पुस्तक पढ़ता, तो ये कैसा बन गया? संकेत वाचक। अब इसका इस वाक्य का यदि हम क्या बनाएं? प्रश्नवाचक वाक्य बनाएं तो क्या बनेगा? क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है? इसके बाद बच्चों यदि इसी वाक्य का हम इच्छावाचक वाक्य बनाएं तो क्या? ईश्वर करे मोहन पुस्तक पढ़े। इसके बाद बच्चों इसका संदेहवाचक वाक्य अगर बनाएं तो क्या बनेगा? संभवतः मोहन पुस्तक पढ़े, संभवतः मोहन पुस्तक पढ़े। और यदि इसी वाक्य का हम विस्मयान वाचक वाक्य बनाएं तो इसका हो जाएगा अरे मोहन पुस्तक पढ़ता है, अरे मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो बच्चों समझ लेना कि इस साधारण वाक्य को जो है हम परिवर्तित करके निषेध भी बना सकते हैं, आज्ञावाचक भी बना सकते हैं, संकेत वाचक भी बना सकते हैं, प्रश्नवाचक भी बना सकते हैं, इच्छावाचक भी बना सकते हैं, संकेत वाचक भी बना सकते हैं, संदेहवाचक भी बना सकते हैं और विस्मयान वाचक भी बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपकी पुस्तक में एक्सरसाइजेस दी हुई है। एक्सरसाइजेस क्या दी हुई है? अर्थ के आधार पर वाक्य के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। इनको आप बहुत अच्छे से क्या करेंगे? आज पढ़ लेंगे ताकि जब परीक्षा के दौरान आपसे वाक्य परिवर्तन करने के लिए पूछा जाए तो आप सरलता से उस प्रश्न का उत्तर दे सकें। तो बच्चों मुझे आशा है कि मैंने आज जो कुछ आपको समझाया है वह समझ में आ गया होगा। आज के लिए